भावेश का जन्मदिन है, 18 का हो चुका है भावेश, कितना एक्साइटेड है। सो थीम है गॉथ, गॉथ मींस ब्लैक, और इसलिए आज हम सब ब्लैक पहने हुए हैं जितने भी लोग आए हैं। भावेश ने ये थीम रखी है और बहुत खुशी हो रही है कि भावेश 18 का हो गया है। वो जब 16 15 का तब भी बहुत हरकतें करता था, अभी उसको लाइसेंस मिल गया है। मतलब क्लबिंग तो करता ही था, पार्टीज में जाता था, लाइक गाड़ी वाड़ी था, बट अभी सब कुछ सारी चीज़ों का लाइसेंस मिल गया है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड बहुत ही रियल है एंड ही इज़ वेरी गुड, वेरी हार्ड वर्किंग। सो बस यही कहूँगा, जैसे हो वैसे ही रहो और बस आगे बढ़ते रहो। अच्छा, 18 साल का हो गया है, बहुत सारी चीज़ें लीगल हो गई है, कुछ सजेशन है जो आप दोनों उसको देना चाहें? खराब काम मत करो, जितने काम में सब करो, जितने अच्छे काम है, दैट्स इट, दैट्स इट। क्या फायदा तो क्या फायदा, इनसे एडवाइस ना ले, मुझसे एडवाइस ना ले, क्योंकि मैं हमेशा उसको बिगाड़ने में और वो मुझे बिगाड़ने में बहुत है। तो आई थिंक मैं जैसे इतना बोलना चाहूँगी कि यार जैसा तू है वैसा रहे, और जो तेरी स्माइल है स्पेशली, वो कोई स्माइल स्माइल करता है ना तो सब उसको देख के स्माइल करता है, एक ये बात है। एंड आई वुड जस्ट विश हिम हैप्पी बर्थडे भावेश, बस स्पेशल मेमोरी। तो जैसे कल रात को मैं उसके घर पे बर्थडे केक हम लोग काटने गए थे एंड वो क्या कहते हैं, हम लोग ने केक काटा था, नहीं नहीं उससे पहले की बर्थडे की बात है, तो उसके मुंह पे जो हम लोगों ने केक लगाया ना, वो बंदा बोल रहा है मैं 2 दिन तक यार फेस से मेरा केक का हट ही नहीं रहा है तुम लोगों ने इतना। सो इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। कोई एक खास मेमोरी तो नहीं है उसके साथ, बट हाँ जब भी वो हमारे सेट पे आते हैं मिलने मेरे घर पर, अरे मेमोरी याद है यार, वो बर्थडे में आया था, एक पार्टी थी हमारे यहाँ और हमने नया नया सोफ़ा ख़रीदा था, क्योंकि अभी मैंने नया घर खरीदा, वहाँ पे हमने नया नया सोफ़ा लगाया। सो वो बंदा आते ही हफ्ते पहले सोफे में केक लगाया, वो तो ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसको जला दिया तो पूरा सोफ़ा जल गया। तो ये मेमोरी सबसे बड़ी मेमोरी है हम दोनों ने मिलके, जो मम्मी की जो डांट पड़ी उसके बाद हम दोनों को बहुत डांट पड़ी। आई थिंक बैड थिंग तो नहीं कहूँगा, जो भी है जैसा भी है बहुत ही गुड बॉय है, और बैड नहीं कहूँगा, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल बंदा, जो अपनी मम्मी की बहुत इज्जत करता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। Energetic, yes, and yeah, fun loving. Thank you so much. Fun loving.